पवन सिंह को वहां बहुत लोग लाइक कर रहा है, ऐसे भी पवन सिंह आदमी बहुत अच्छे हैं। देखिए उसके पास हर चीज है, शोहरत है, पैसा है, सब कुछ। अब कोई भगवान के हनुमान जी की कृपा से कुछ का कमी नहीं है। अब उसका एक हार्दिक इच्छा है पवन सिंह का कि हम लोगों को सेवा करें, माता बहने भाई बंधु सबको सेवा करें। तो उसका हार्दिक इच्छा है और वो सेवा करने के लिए काराकाट में पहुंच गया है। और वहां आम जन जन के लोग, हर जाति हर धर्म के लोग, जुआओ माता बहने सब लोग पवन सिंह को नाम जप रहा है। हम तो गए हैं, देखे हैं, एकदम वहां ऐतिहासिक वोट से जीतने जा रहे हैं पवन सिंह, ये निश्चित है। अच्छा सर, वहीं पे देखा जाए उपेंद्र कुशवाहा जी का एक वीडियो वायरल है, पूरे समाज में बैठा करके लोग बताते हैं कि हम वोट अब आपको नहीं देंगे। एक वीडियो आपने देखा होगा, बताते हैं कि आप जीते कई बार लेकिन इधरे से गुजरे, लेकिन यहाँ पे झांकी मारने के लिए नहीं है। देखा जाए तो वहां किसी नेता पे विश्वास नहीं कर रहे लोग, वहां के काफी लोग बता रहे कि हमको पवन सिंह पे ही विश्वास है। एकदम देखिए, पवन सिंह ऐसे भी दूर दूर से लोग जानता जो भी हो, लेकिन इंसान बहुत अच्छा है, ये आप नजदीक जाइएगा तो पता चलेगा। और वहां के जनता, माता बहने बूढ़ बुजुर्ग जितने लोग हैं, भाई बंधु सब लोग पवन सिंह को बहुत लाइक कर रहा है और बहुत लोग मानता है और जीतेगा बहुत वहां ज्यादा वोट से, ये निश्चित है। और कोई नेता उता वहां जाता नहीं है, बहुत जनता में नाराजगी है। वहां उपेंद्र कुशवाहा जी हो चाहे कोई जितने भी नेता है, माले के नेता है, बहुत नाराजगी है वहां, किसी कोई किसी के यहाँ जाता नहीं है। अच्छा, नाराजगी क्यों है सर? वहाँ के लोग नाराज, उपेंद्र कुशवाहा भी अच्छे मतलब कि नेता है, अच्छा काम करते, कई बार मंत्री भी रह चुके हैं सर। देखिए नेता अच्छे और खराब तो जनता बता रही है कि कितने अच्छे हैं और कितने बुरे हैं। मोदी जी भी कहे शुरू शुरू चुनाव लड़ेंगे तो उनको कोई नहीं जानता होगा, लेकिन आज पूरा विश्व जानता है, सब लोग। ऐसे ही पवन सिंह अब वहां काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं, भारी मतों से जीतेंगे और जिंदगी में कभी हारेंगे नहीं, ऐसा उसका विचार है। लेकिन सर अभी तक पवन सिंह गए नहीं, क्योंकि वहां के जनता पवन सिंह की माला तो जप रही है, लेकिन पवन सिंह गए क्यों नहीं? ना गए हैं, गए हैं, वहां के लोगों से मिले हैं, ऐसा नहीं है, गए हैं दो बार तीन बार गए हैं, अब बाकी मिले हैं। इसके बाद अब नॉमिनेशन के बाद वहां नॉमिनेशन करके सारा लोग जाएगा और पवन सिंह जीतेंगे, इंसान बहुत अच्छे हैं। अब वहां के जनता भी बोल रही है आप बहुत मतों से जीतेंगे। और उपेंद्र कुशवाहा जी के कुछ है नहीं, वहां कहीं जाते नहीं है, हर जगह विरोध है। अब तो आप भी देखे होंगे, मीडिया वाले हैं, आपको भी कहीं छुपा नहीं है, आपको भी संविधान द्वारा चौथा स्तंभ दिया गया है। अच्छा सर, आईना दिखाने के लिए। अच्छा, आप कब जाएंगे पवन सिंह के साथ, क्या आप भी चुनाव प्रचार करेंगे पवन सिंह? एकदम करेंगे, देखिए इंसान बहुत अच्छे है, वहां के जनता खोज रही है, तो हम तो भाई जाएंगे, सबके हैं हम, जो इंसान अच्छा है हम तो उसका है भाई, ये तो आपको भी पता है कि हम इंसानियत का है, हम कोई पार्टी से नहीं है, ये आपको भी पता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का हम गुणगान करते हैं, इसलिए करते हैं कि वो इंसान बहुत अच्छे हैं, विकास पुरुष है, सुशासन का देन है। आज हम गोल्डमैन बनकर बिहार में देश में फेमस है, तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है। तो सर कहीं ना कहीं निर्दलीय है पवन सिंह, तो पवन सिंह का सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं नीतीश जी का भी आप गुणगान करते रहते हैं। देखिए नीतीश जी, अब तो उपेंद्र कुशवाहा जी के लोग विरोध कर रहा है, हम तो इंसानियत का, हम तो मेरा बात आप सुने नहीं कि हम इंसानियत का करते हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी को तो इंसानियत का वहां के जनता दे दिया। आप तो देखे वहां से बोली कि आपको वोट नहीं मिलेगा, तो इंसान अच्छे नहीं है। आप पवन सिंह इंसान अच्छे हैं तो हम उनके साथ हैं। अच्छा ये बताइए सर, कहीं ना कहीं पवन सिंह भाजपा के सिपाही माने जाते थे, हर जगह देखिएगा तो इलेक्शन में हर जगह वो प्रचार करने जाते थे, सभी लोग बुलाते थे, फिर बंगाल से टिकट उनको दिया गया, फिर बंगाल से टिकट वापस कर देते, ये कयास लग रहा था कि कहीं आरा से लड़ेंगे चुनाव, कभी बलिया से लड़ेंगे चुनाव, कोई बोल रहा था कि कहीं से लड़ेंगे चुनाव, तो मतलब कि ये टिकट आखिर भाजपा ने पवन सिंह को दिया क्यों नहीं? देखिए एक बात बता रहे हैं हम आपको, ये
कोई पार्टी से कोई नेता नहीं है, इंसान बहुत अच्छे हैं, इनको इनका मन में आया कि हम अब जनता का सेवा करें। कुछ लोगों माता बहने को अब हमारे पास सब कुछ है, हर शोहरत है, देश विदेश में नाम है, अब हम जनता का सेवा करें तो काराकाट के चुने विधानसभा, और बस उनका यही मानसिकता है कि हम माता बहने बूढ़ बुजुर्ग सबका सेवा करें, और सेवा करने के लिए काराकाट में उतर गए हैं। बाकी हम देखिए कोई राजनीतिक से नहीं है कि हम राजनीतिक में हमको घुसा रहे हैं, लेकिन हम इतना जानते हैं कि वो काराकाट से सेवा करने के लिए उतर गए हैं और भारी से भारी मतों से जीत रहे हैं। अच्छा सर, बहुत सारे नेता को आप लोग देखते होंगे कि चुनाव में जाते हैं तो बहुत सारा अपना मतलब कि ऐलान करते हैं। अभी देखिएगा तो मनीष कश्यप, दुनियान सिंह, पप्पू यादव, मतलब अनेकों मतलब कि ऐलान करते हैं कि हम ये करेंगे वो करें, लेकिन कहीं ना कहीं पावर आता है और जनता जिताती है, उसके बाद ये लोग झांकी मारने तक नहीं जाते। लेकिन ये लेकिन पवन सिंह जाएंगे, विश्वास है आपको? मतलब पूर्णतः विश्वास है, इसलिए जाएंगे कि उसका आत्मा जो है ना बहुत अच्छे अच्छा है, हमने देखा है। अच्छा, आप मिले थे, क्या क्या बात हुई उनसे? बहुत बार मिलते हैं हमेशा, जो हमारे जिला के हैं, हमारे जिला के का पूरा बिहार के हैं, पूरा देश के हैं, इतना मोहम्मद रफी है, सब लोग लाइक करता है, भोजपुरी का मोहम्मद रफी है, आप बहुत अच्छे इंसान भी है, ये हम बार बार बता रहे कि वो इंसान बहुत अच्छा है, हर मानसिकता रहता है दिल में रहता है कि हम सेवा करें, लोगों का मदद करें, आ करबे करता है बेचारा, आज काराकाट में उतर गया है सेवा करने के लिए और जीतेगा। वहां के हम जनता से सब लोग से हम भी मिले जाके, धीरे धीरे लुका छुपा के मिले वहां के लिए, लेकिन सब लोग बताया कि पवन सिंह को हम लोग जिताएंगे, वो बहुत अच्छा इंसान है, यहाँ के सेवा करेंगे, हम लोग को पूर्णतः विश्वास है। लेकिन कुछ लोग वहां के ये भी बता रहे कि नचनिया बजनिया क्या विकास करेगा, मतलब कि हम कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, आ तू कौन है, तेरा नाम क्या है, यहाँ सीता भी बदनाम हुई, तो बदनाम करने के लिए तो भाई देखिए, अब मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी जो विकास किए हैं आपसे भी छुपा नहीं है, लेकिन उनको भी प्रतिद्वंदी है, तो प्रतिद्वंदी तो भगवानों का होते है ना, तो इस बातों पर ध्यान नहीं दिया जाए, देखिए कि क्या होता है। अच्छा, चुनाव में कौन कौन लोग जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं भोजपुरी के हमारे सुपर स्टार पावर स्टार माने, प्रचार के लिए कौन कौन लोग उतरने वाले? सारा सारा भोजपुरी इंडस्ट्रीज उतरेगा वहां, सब लोग उतरेगा, जितना हीरोइन है जितना हीरो है सब लोग, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, इसलिए कि वो इंसान अच्छा है, और इसलिए नहीं कि वो पवन सिंह है, इसलिए हम जाएंगे कि वो लोगों का सेवा करेंगे, ये हमको विश्वास है, इसलिए हम जाएंगे। अच्छा सर, क्या जीते हैं निर्दलीय तो फिर भाजपा में जाएंगे या कौन सा पार्टी? आप देखो ये तो समय बताएगा, ये अभी इतना हमको मत घुसाइए अंदर, अभी तो समय बताएगा, प्रभु जाने, लेकिन हमको आशा है कि वो मैंने जीतेंगे, और क्या करेंगे ना करेंगे वो अब तो समय बताएगा। चलते चलते क्या कुछ कहिएगा सर, जितने हमारे दर्शक देख रहे हैं, हमारे जनता देख रही है काराकाट से, तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए कुछ कहेंगे? सबको काराकाट के जनता से, माता बहने भाई बंधु मित्र बूढ़ा बुजुर्ग हमारे गार्जियन सबसे अनुरोध है कि पवन सिंह बहुत अच्छे इंसान है, उनको जिताइए और इसके बाद मजा लीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय